आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। दो तीन पॉइंट बोल दे रहे हैं और दो तीन वैलिड पॉइंट मैं आपको गिनाऊंगा, ठीक है? आप ईमानदारी से सोचिएगा मैं गलत बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात याद रखिएगा, मेरे बोलने से और आपके रोड पे प्रोटेस्ट करने से सरकार के कान तक आवाज नहीं जाएगी। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब छात्र अपनी हक की बात करते हैं बस लात जूता लाठी खाने को मिलता है 5-6 दिन, फिर घर आ जाते हैं। अगर हमारा मुद्दा भैया कोई उठा सकता है और हमारा मुद्दा कहीं उठ सकता है तो दो लोग उठा सकते हैं भैया, एक तो न्यूज चैनल वाले और दूसरा भैया लोकसभा के अंदर। न्यूज चैनल वाले कभी हमारी बात करते नहीं है, कभी भी बात नहीं करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, लोकसभा में हमारा बात किसके सामने बोलना है? सरकार के सामने। सरकार तो सुन नहीं रही है, वो गलत कर रही है। पूरा वैलिड पॉइंट बताऊंगा, शेयर करना, पहुंचाना आप सभी। इतना निकम्मा विपक्ष है, विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो हमारा बात तक नहीं उठाता है। वो किस मुद्दा पर बात करता है? एनपीआर, सीए, सीएए, एनआरसी, एसटी, एससी, ये सब मुद्दा पर बात करता है और इसको भी स्ट्रांगली नहीं रख पाता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये सब मुद्दा पर कभी विपक्ष को कभी पब्लिक वोट देगा? नहीं देगा। पब्लिक वोट किसको देगा? जो सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में विकास की बात कर रहा है, जो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, जो जनता के प्रॉब्लम की बात कर रहा है, उसको वोट देगा। ये सब मुद्दा पर विपक्ष को कभी वोट दिया नहीं जा सकता। दूसरा बात, तीसरा बात आप ध्यान सुनिएगा, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल क्या मुद्दा बनाए? शिक्षा, पानी, डेवलपमेंट। भले वो काम किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन मुद्दा तो बना। विपक्ष भी क्या की, जहां बीजेपी वहां कांग्रेस थी, वो भी इनके ऊपर इनकी बुराई को बता रही थी कि आपने काम नहीं किया नहीं किया। तो दोनों जो लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मेन मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और वो मुद्दे पर जब पार्टी लड़ेगी तब जाकर काम होगा। जब काम होगा तो देश विकास करेगा। दूसरा बात, दो तीन पॉइंट बोल देना, ध्यान से आप सभी सुन लीजिएगा। बोलना मैं वैलिड वोट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैलिड बोल रहा हूं कि नहीं आप सुनना। और ध्यान से आप ये मत बोलना ना कि भैया, अब बहुत जन ऐसे बोलेंगे जो मोदी जी के वक्त है वो बोलेंगे कि भैया आप गलत बोल रहे हो, गाली दे देंगे। अब जो राहुल के वक्त है वो बोलेंगे आप गाली। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, दोनों को बोल रहे, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण संविधान हमें हक देता है कि हमारा बात बोल। और गलत क्या पूछ रहे हैं भाई, आपके आपका बोला हुआ बात ही आपसे बोल रहे हैं। तो बहुत जन बोलेंगे नेहरू गांधी से क्यों नहीं पूछे, इंदिरा गांधी से क्यों नहीं पूछे, उससे क्यों नहीं पूछे, फलाना से ढिकाना। अरे यार क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे ही राहुल गांधी कल आ गए तो कल वो बोलेंगे मोदी जी से, मतलब देश को हम लोग खुद के हाथों से मार दें, खुद लड़ लें। यानी नेता को डिफेंड करने के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं, और नेता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विपक्ष में हो चाहे सरकार चला रहा हो, दोनों नेता बहुत खुश है। टाइम पर रैली होता है, टाइम पर इलेक्शन होता है, टाइम पर जनता के घर में जाते हैं वोट मांगने हाथ जोड़कर, तो उनका सब कुछ टाइम पर होता है। रोता है पब्लिक, और आप पब्लिक इशू पर बात नहीं कर रहे हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है ये बात उठाना। जो टीचर नहीं उठा रहे, बहुत सारे टीचर बिजनेस कर रहे हैं नहीं उठा रहे टॉपिक, क्यों? क्योंकि बच्चा गरीब का गरीब हो गया, टीचर करोड़पति बन गया अपना कोर्स बेच बेच कर, ठीक है? बात को समझिए, यहां पर नॉर्मल चीज समझो। एनटीपीसी का एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, वैलिड नहीं निकले तो 1000 गाली आप मुझे देना भाई। देखो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम का फॉर्म निकले 1 साल हो गया, सरकार का कहना था जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक पता नहीं है किस कोना में पेपर है, किस कूड़ादान में फेंका गया, कुछ पता ही नहीं है बच्चों को। कितना अरबों खरबों पैसा जो सरकार है गरीब बच्चों से लेकर बैठी है, आप कैलकुलेशन कर लेना, गिन नहीं पाएंगे, गिनती के बाहर है, गिनती के बाहर है। पैसा क्या हुआ, एग्जाम क्यों नहीं, सरकार क्या बोल रही है, बहाना कि वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जाम कौन करवाएगा, वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। सर जब वेंडर आप डिसाइड नहीं करवा पा रहे तो आप फॉर्म निकाले क्यों, आप पहले ही वेंडर डिसाइड कर लेते। वैलिड पॉइंट है कि नहीं है, वैलिड पॉइंट है कि नहीं है? और सुनना आप सभी, मान लो ना वेंडर सर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप बहाना बना दिए, आपका चुनाव टाइम पर हो जाता है, आप जाकर भाषण टाइम पर दे देते हैं,
पब्लिक के घर वोट मांगने टाइम पर हो जाता है। अब भारत सरकार है और आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। चलो मान लेते हैं, आंख बंद कर हम आपके बहुत बड़े भक्त है, विश्वास कर लिए। दूसरी बात सर, मान लो यहां पर आपकी बात को हम विश्वास भी कर लेते हैं, दूसरी बात ध्यान से सुनना सर, ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ या आपका जे, इसमें जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उनके पैसे सर रिफंड आने वाले थे। आपने क्या बोला था सर, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते जितने भी गरीब बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं उन सबके खाते में एग्जाम होने के बाद पैसा रिफंड चल जाएगा। नहीं गया सर, पैसा रिफंड नहीं गया। 100 में 10 बच्चा का गया तो 90 बच्चों का नहीं गया। और आप क्या किए सर, एक दिन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए और बोले जिनको लेना है लो आपका इनडायरेक्ट, उसके बाद लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। बहुत सारे एग्जाम का तो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। आप कमेंट्स पढ़ लेना सर, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे पैसा नहीं मिला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे ज्यादातर बच्चे बोलेंगे मुझे पैसा नहीं मिला सर, जा पैसा नहीं मिला। मान लो सर एक दिन का आप लिंक एक्टिवेट किए उसके बाद डीएक्टिवेट कर दिए, यानी सीधे सीधे भाषा में आपका ये कहना था एक दिन के लिंक एक्टिवेट होगा उसके बाद आपका पैसा सरकार मार लेगी। मतलब कहने का मतलब तो यही था ना। मान लेते हैं सर देश का कंडीशन बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़ा हुआ है, आपने ये पैसा भी गरीब बच्चों का रख लिया, मान लेते हैं। लेकिन सर एक तीसरा टॉपिक और सुनिएगा मेरा वैलिड पॉइंट सर, जो एग्जाम हुआ था 5-6 जगह सर बच्चों के द्वारा, मैं क्या बोला, बच्चों के द्वारा सेंटर पर पकड़ा गया कि एग्जाम कैंसिल, जो सेंटर पर जो है सर वो चीटिंग हो रहा है। जब ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया गया बच्चों के द्वारा आप तक पहुंचा तो आपने क्या बोला, उस एग्जाम का जो है उस दिन का एग्जाम आपका कैंसल कर दिया जाता है। आपने क्या बोला, कैंसल कर दिया जाता है। जैसे ही आपने ये बात बोला इसका मतलब आप बहुत गंदा मजाक कर चुके हैं बच्चों के साथ। जैसे ही आप बोलते हैं कि कैंसल कर दिया गया, क्यों सर, क्योंकि सर बच्चों के द्वारा जो सेंटर पर पकड़ा गया, ऐसे सर बहुत जगह हो रहा होगा जहां नहीं पकड़ा गया, तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि जहां पर एग्जाम कैंसिल हो गए, जहां पर पकड़ा गया है उस इंस्टीट्यूट को, उस संस्था को सारे जिंदगी के लिए बैन लगा दे, ताकि जहां पर भी हो रहा है वो लोग डरे, वो लोग सोचे कि आज 10 लाख रुपया कमाने के लिए अपने स्कूल को कॉलेज को हम लोग दाव पर लगा नहीं सकते, तो वहां का हेड भी ऐसा काम करने से कांपेगा। लेकिन आपने क्या किया, बस उस दिन का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कितने चीटिंग हो रहे होंगे सर, हो रहे होंगे ना। और एक बात समझिए, आपने एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि जिसको ये दिया गया है, जिस कॉलेज को, जिस स्कूल को एग्जाम करवाने का जिम्मेवारी, वो आपको करोड़ों रुपया दिया होगा, करोड़ों रुपया दिया होगा आपको, ताकि वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। तो पैसा आप वहां से भी खा लिए, स्टूडेंट से भी खा लिए, जो धांधली करवा रहा है उससे भी खा लिए, यानी फायदा में आप और मरे गरीब लोग, गरीब स्टूडेंट। सर पॉइंट में देखो भाई, मैं पूरा बकवास बिल्कुल नहीं, पूरा वैलिड बात कर रहा हूं। आप बोलो मेरे बात में वैलिड है कि नहीं। अब ये मत बोलना नेहरू गांधी नहीं किए, क्योंकि आज की डेट में ऐसा मेंटेलिटी बन गया है, लोग यही बात करते हैं। लेकिन ऐसा टीचर मेरा हक बनता है इस बात को उठाना। बताओ वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया, मान लेते हैं पैसा क्यों नहीं आया सर। सर ये आज मेरा दोस्त जो MBA करके जॉब करता है बहुत अच्छी कंपनी में, उनकी 2 बच्ची है, रोता है, बोलता है भाई मन करता सुसाइड कर ले, कंपनी के ऊपर से इतना प्रेशर है सर, मन नहीं करता कब जॉब चल जाएगा। ऐसा कंडीशन है प्राइवेट कंपनी का भी। अब किसी से छुपा हुआ नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, बताओ सर। अब नॉर्मल को बोलोगे सर जिनके अंदर टैलेंट नहीं है वो उनको जॉब कहां से मिलेगा, बोलने वाले बोलते हैं वीडियो देख देख कर, फेक वीडियो देखेंगे और अपना ज्ञान देने आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तुमको जॉब कहां से मिलेगा। अरे भाई जब टैलेंट नहीं है तो इंजीनियरिंग करवा कर, बीटेक करवा कर जो डिग्री दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है, वहीं पर रोक दो कि तुम डिग्री के लेने के काबिल नहीं है। उनसे 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर उनको इंजीनियरिंग भी बना दिया जा रहा है, और जब जॉब लेने जा रहा है तो बोल रहा जॉब नहीं है, और सोशल मीडिया पर वीडियो चल जा रहा है कि उनको ये बताओ कि तुम्हारे अंदर काबिल नहीं है, या जब काबिल नहीं है तो उनको डिग्री क्यों दे रहे हैं, मत दो ना डिग्री। यानी इंजीनियर की डिग्री मुफ्त में
जितने निकम्मे लोग हैं उनको मिल रहा है, आपका कहने का मतलब है, यही मतलब है ना। अगर वो काबिल नहीं है तो डिग्री मत दीजिए ना, डिग्री मत दीजिए। क्यों डिग्री दे रहे हैं बेकार का, उसका भी मजाक बना रहे। तो बोल दो बाबू तुमको डिग्री नहीं मिलेगा। अब डिग्री भी दे दे रहे हैं, रोड पर घूम रहा है, जॉब लेने जा रहा है, तो लोग से ताने भी सुनने मिल रहे हैं कि उनके अंदर काबिल नहीं है, समझ रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा बात है सर, हमारा विपक्ष एक नंबर का निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है। हमारे बात सब प्रॉब्लम उनका भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि जो हेड है, हेड के भी सेक्रेटरी होते हैं, मैनेजर होते हैं, 10 लोग होते हैं इर्द गिर्द, और वो भी दिमाग से पैदल, उनको भी पता नहीं है पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है। वो भी मुद्दा ऐसा बोलते हैं कि सर आप ये मुद्दा उठाइए। अरे मेन मुद्दा सर ये है, देश का मेन मुद्दा ये है, करोड़ों बच्चे पागल हैं। क्या हुआ था 17 में एसएससी का एग्जाम हुआ, क्या हुआ 17 का एग्जाम हुआ, क्या हुआ, रोड पे बच्चे गए मार खाए, क्या हुआ, 10 दिन का तमाशा हुआ, आ गए घर, क्या हुआ, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम कैंसिल, बच्चों के साथ मजाक होता है, कुछ होता नहीं है। जबकि आप एक बार ध्यान से देखोगे, बता देना कोई कि मेरा रीजन जो है वैलिड है कि नहीं है, बता देना। यार कभी कभी सोचते हैं ना यार एग्जाम करवा क्यों नहीं रही है सरकार, कहीं ना कहीं उम्र निकल रहा है, पैसा की भी बात नहीं है, पैसा चलो जा रहा है लूट रही है। यहां पर सबसे बड़ा रीजन ये है ना, सबसे बड़ा रीजन ये है, यहां पर एज बर्बाद हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेंशन मत लो, उम्र निकल रहा है ना, 40 साल होने के बाद सरकार एक गोली बनाएगी, उस गोली को सब युवाओं को देगी, वो गोली टैबलेट सब युवा खाएंगे, उसके बाद फिर से वो जवान जवान बन जाएंगे, 18 साल की उम्र में आ जाएंगे, फिर वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा है क्या? एक बार उम्र चला गया तो सरकार क्लियर बोलेगी, नया भर्ती निकालेगी कि आपका उम्र सीमा ये है। अब बच्चा रोएगा कि सरकार आपके वजह से 2 साल बर्बाद किए, अब जब नया भर्ती निकला जो हम भर सकते थे वो आपके वजह से ही नहीं भर पा रहे हैं, और आप एज में भी छूट नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पिस रहा पब्लिक, आपको बताना पड़ेगा भाई, मुद्दा उठाना पड़ेगा। भगवान करे यार कोई मुद्दा ना इसको स्ट्रांगली लोकसभा में उठाए, न्यूज चैनल वाले उठाए। न्यूज चैनल ब्रांडिंग के मामले में, पैसा के मामले में न्यूज चैनल भी बिक चुका है। अब बहुत जन बोलेंगे भैया देश में विकास नहीं हो रहा है, राम मंदिर 70 ये सब काम नहीं, काम है, ये सब भी काम है भाई, काम है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब तो देश का मुद्दा था, काम है, लेकिन जो मेन काम है जिससे मेरा देश विकास कर सकता है, जिससे हम चाइना से टक्कर ले सकते हैं, वो डेवलपमेंट भी है कि नहीं है, डेवलपमेंट है कि नहीं है। अब एक ही चुनाव ले लो आपका, दिल्ली में जो चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ केजरीवाल वर्सेस बीजेपी कांग्रेस, वहां पर केजरीवाल एक ही मुद्दा पर लड़ता रह गया, पानी शिक्षा डेवलपमेंट, पानी शिक्षा डेवलपमेंट। यार भले वो काम किया नहीं किया नहीं पता, लेकिन विपक्ष वाले भी उनको उसी जाल में फंसा रहे थे, उनकी कमी दिखा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो मेन प्रॉब्लम है वो भी इसी पर बात हो रहा है। अब एक बात आता है, कुछ दिन कोई गोली चला देता है तो नेता बोलते हैं वो गलत है, कोई नेता बोलता है गलत नहीं है। अब जो नेता के जो लोग फैन है, जिनको मानते हैं, जो बोलता है सही कर रहे हैं, वो उनका पब्लिक बोलती है हाँ गोली चलाकर अच्छा किया, जो बोलते नहीं है अच्छा गोली चलाकर अच्छा किया। इसका मतलब अगर अच्छा काम है ये वाला, तो नेता लोगों के बेटे को तो पहले जाना चाहिए ना, देश हित में अगर वो काम कर रहा है, देश में अच्छा चीज मैसेज जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है उस नेता का बेटे को पहले जाना चाहिए ऐसा काम करने के लिए? भाई अच्छा काम कर रहा है ना, सोचो थोड़ा, पब्लिक ही क्यों जाए, पब्लिक का भी बाल है, बच्चा है, उनका ही परिवार है, पब्लिक को ही क्यों भड़का जा रहा है? सर पहले आप लीडर हो हम लोगों के, हम लोगों का नेता है, पहले आपका बेटा जाए ना, उसके बाद हम जाएंगे। सर यार ये सब बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। बताओ हम गलती वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोड़ दो क्या हो रहा है यार, कम से कम ये सब चीज तो टाइम पर होना चाहिए। करोड़ों बच्चा, कितने गरीब बच्चा, ना घर के हैं ना घाट के हैं, दिन भर घर में काली सुनते हैं कि रेलवे के पीछे अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया, कितने सारे बच्चे हैं बताओ। ये सब जवाब सरकार को देना चाहिए कि नहीं चाहिए?